सरदार नगर के सरैया में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। गोरखपुर जिले के सरदार नगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा 326 चौरी चौड़ा अंतर्गत सरैया में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि ब्लॉक अध्यक्ष अभय नंदन द्विवेदी की अध्यक्षता में मनाई गई, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव बादल चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोग यहां स्वर्गीय इंदिरा जी को श्रद्धा सुमन करने आए हैं। सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि हम सभी लोग इंदिरा जी के दिखाए गए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। जिला सचिव राम अवतार गौर ने कहा कि इंदिरा जी एक साहसी महिला थी, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम लोगों ने आज उनके विचारों और आदर्शों का प्रचार प्रसार किया है। सरदार नगर ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमेर नाथ पांडे ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम लोग इंदिरा गांधी के बताए हुए आदर्शों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि देश का विकास हो और लोकतंत्र सही ढंग से कायम हो, क्योंकि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। ब्लॉक अध्यक्ष अभय नंदन द्विवेदी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी को हम लोग श्रद्धा सुमन कर उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। उक्त अवसर पर बजरंग बली, राजा राम, राम गोविंद सिंह, अमरनाथ निषाद, बैजनाथ निषाद, रुदल निषाद, रमाशंकर प्रसाद, चंद्रावती बेचनी, शांति रमेश द्विवेदी, आशुतोष प्रजापति सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। चौरी चौड़ा से विनोद पासवान की रिपोर्ट। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई है, उस अवसर पर आप आए हैं, क्या कहेंगे? आज सरदार नगर ब्लॉक पे इंदिरा गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आज हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को लोग, युवा कांग्रेस को लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सभी ने एक स्वर में ये कहा है कि हम सभी लोग आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के दिखाए हुए पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, देश में एकता अखंडता लाने का प्रयास करेंगे। ये जो मौजूदा सरकार है वह लोगों को बांटने और तोड़ने का काम कर रही है, और हम सभी लोगों को गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर चौपाल लगाकर हम सभी में एकता सद्भावना का संदेश पर का हमने जन जागरण अभियान करेंगे, और लोगों में ये बताएंगे कि पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती, तो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या क्या करती थी, उसको लेकर आज हम सभी लोगों ने एक यहाँ पर बैठक की और रणनीति बनाई है कि आने वाले आगामी 2024 के चुनाव में पूर्व की सरकार ने जो नौजवानों के लिए काम किया है। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, और उसके बाद ये जो हमें देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी, जो देश के शक्तिशाली और बहादुर प्रधानमंत्री थी, देश के लिए जो इन्होंने किया है, त्याग किया है, अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया है, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो देश के लिए अपना योगदान दें और देश को इतना आगे बढ़ाए। देश ने जो है किसानों के लिए नहर निकलवाया, बेरोजगारों के तमाम प्रकार के जो कल कारखाने लगवाए, शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाए, उसी को मनाने के लिए हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य एवं कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, और उनकी प्रतिति में हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया गया, और उनके बनाए हुए बताए हुए आदर्शों पर जो चलने के लिए उन्होंने कहा था, उसी का हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चला जाए, जिससे देश का विकास हो और लोकतंत्र सही ढंग से कायम हो, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वह लोकतंत्र की हत्या ही करने पर तुली हुई है। न उनके लिए कोई कानून है, न उनके लिए कोई लोकतंत्र की बात होती है, सिर्फ ये तानाशाही को अपना रहे। आज कैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 29वीं पुण्यतिथि पर सरदार नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ उनकी पुण्यतिथि आयोजित हुई है, और ये इंदिरा जी एक साहसी महिला थी, इन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इन्हीं के घर में इन्हीं के अंगरक्षकों ने इनको इनकी हत्या की, लेकिन इनको पहले भी मार्ग सूचना दी गई थी कि आप सरदारों को न रखें, लेकिन इन्होंने कहा कि ये भी मेरे हिंदुस्तान के ही हमारे बेटे हैं, अगर इनके हाथों हमारा वो लिखा रहेगा तो मुझे मेरा सौभाग्य होगा,
खुशी के चलते उनकी आज शहादत दिवस है, इनकी हत्या हुई और इनके कृतियों को, इनके विचारों को, इनके आदर्शों का हम लोग